Thank you. Excuse me. टेस्ट खराब कर दिया। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। जीना ही नहीं मुझे। I just want to finish my life। ये कैसी बात कर रही हैं? संभालिए अपने आप को। मरना चाहती है। लाइफ इज प्रीशियस यू नो। आप मुझे बाबाओं की तरह ज्ञान मत दीजिए। को पता नहीं मेरी लाइफ कैसी है। कैसी है? फक्ड। सब ठीक है? अरे ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? व्हेन आई एम सेइंग, मैं बता रही हूं ना। जी आप कुछ बताई तो नहीं रही है। क्या जानना चाहते हैं? प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड। पीछे वो तो सभी औरतों की होती है। यू थिंक आई एम जोकिंग? मजाक कर रही हूँ मैं। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? बात सुनिए, क्या कह रही थी आप? आपके हस्बैंड आपकी प्रॉब्लम है जी, सबसे बड़ी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो एक चीट है, मुझे चीट कर रहा है। हाँ भाई अगर ये बात है तो। अच्छा भाई ये बात है तो क्या? मैं बोल रही हूँ ना, इफ आई एम सेइंग ही इज अ चीट, इसलिए मरना चाहती हूँ मैं। नहीं जीना मुझे। तो उसमें मरने की क्या जरूरत है? साढ़े फ्रेश लाइफ, छोड़ दीजिए उसे। हाँ बस एक बार मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। यू आर नॉट इवन कंफर्म्ड और आप मरना चाहती हैं। आई एम श्योर जरूर उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए मरना चाहती हूँ मैं। जरूर किसी के साथ अफेयर चल रहा है? आई डोंट बिलीव दिस। यू बेटर बिलीव। अभी उसी दिन ऑफिस से आए, हम बेड पे लेटे हुए थे, उनको लगा मैं सो गई हूँ, लेकिन ये जो एनुअल सेल्स मीटिंग होती है ना, महा कुत्ती चीज़ होती है। सारे साल कान घिसाई करूं मैं और क्रेडिट कौन ले जाए? वो हरामी चड्डा। अरे मेरे को तो ये नौकरी नहीं पसंद। तुम सुन रही हो ना? सो गई क्या तनु? तो मैं तनु नहीं हूं।
बस मेरे कहने का मतलब है कि क्या मतलब? नाम तो आपका भी तानिया है, पर इतने साल हो गए शादी को, आज तक उन्होंने मुझे तनु कहकर नहीं बुलाया। तो स्लिप ऑफ टंग भी तो हो सकता है। आप भी ना बहुत भोले हैं। जो फीमेल्स होती हैं इनमें सिक्स सेंस होती है, एक इशारे पे पूरी बात समझ जाती है। तो क्या समझी आप? यही कि उनका अफेयर चल रहा है तनु के साथ। नहीं समझे? तनु, तन्वी, तन्वी, तनु। अरे उनकी सेक्रेटरी तन्वी राय। तो वो तो उनकी सेक्रेटरी है, जैसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप। दिन में 50 बार उसको काम से बुलाते होंगे तो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ, खुद स्लिप हुए पड़े हैं। पर एक बात बताना मुझे, कौन अपनी सेक्रेटरी तन्वी को तनु कहकर बुलाएगा? I'm sure she's the bitch. Maybe not. अरे कब समझेंगे आप? It's a matter of opportunity. छुए लोगों को बहुत मिलती है, उन्हें पता भी नहीं होता तब भी। मैं कुछ समझा नहीं आप क्या कह रही हैं? मैं समझा। घड़ी में पूरे ठीक 6 बजे होंगे। ऑलरेडी 6 PM, मैंने सब वाइंड अप कर दिया और आपकी मॉर्निंग मीटिंग मिस्टर प्रसाद के साथ सेट कर दी। कैन आई लीव? आर यू ओके बॉस? यू लुक वेरी स्ट्रेस्ड। यू नीड ए SR, स्ट्रेस रिलीवर मसाज। SL is going high. SL? Stress level. अब आप इस बात पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं देंगे? Actually बात possibility और opportunity की है, आप नहीं समझेंगे। जी मैं समझ रहा हूँ। कहीं आप मुझे पागल तो नहीं समझ रहे? नहीं मैं आपको पागल कैसे? आप मेरी जगह नहीं है ना, आप नहीं समझेंगे। तो सेक्रेटरी तन भी राय है जिसके पास अपॉर्चुनिटी है। ऐसे लॉजिकल पॉसिबिलिटी तो तनुप्रिया के पास भी है। तनुप्रिया? एक दिन लेट नाइट घर लौटे थे, कहते हैं क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मैं कुछ समझा नहीं। ना समझ। जब मीटिंग के बाद लेट नाइट घर लौटे थे तो उनके शर्ट से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। तो? महंगा परफ्यूम, वी कांट अफोर्ड इट, वी आर मिडिल क्लास पीपल। जरूर उस तनुप्रिया ने गिफ्ट किया होगा। ये तनुप्रिया कौन है? तनु, तनुप्रिया, तनुप्रिया, तनु। मैं कुछ समझ नहीं रहा। अरे उनकी क्लाइंट, वो सोशलाइट, उसी को ऑब्लाइज करने के लिए लेट नाइट पार्टीज करता है, परफ्यूम भी उसी ने गिफ्ट किया होगा। रियली? ऑफ कोर्स, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, यहाँ पॉसिबिलिटी है। कैसे? ऐसी प्रोफेशनल मीटिंग्स के बाद पार्टी, म्यूजिक, डांस फ्लोर, शैंपेन की बोतल, और टन 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 टन, मतलब टैंगो म्यूजिक। Thank you.
हो फीलिंग ना? कैसा फील कर रही हो तुम? बेटर, थैंक यू डॉक्टर. हमारा नेक्स्ट सेशन आफ्टर 10 डेज है. डॉक्टर हम पहले नहीं मिल सकते क्या? नहीं, आफ्टर 10 डेज है. तब तक के लिए मैंने आपकी मॉर्निंग डोज इंक्रीज कर दी है, तो याद से लीजिएगा. डॉक्टर आप पार्टीज वगैरह में नहीं जाते क्या? ये 30 मिनट्स आओगे, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. डॉक्टर आपके लिए गिफ्ट लाई थी, परफ्यूम है, कुछ ही क्या है. यू टेक केयर सिस्टर. Next patient please.